एकाग्रता के लिए और पैरों की मांसपेशियों को, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए वृक्षासन भी बहुत अच्छा आसन है। बच्चों से करवाए करें, बड़े भी अपने तन का, मन का, विचारों, भावों, संवेदनाओं का संतुलन बनाने के लिए इसे कर सकते हैं। दाहिना पैर सीधा है, कोई भी अभ्यास को दाहिनी ओर से प्रारंभ करते हैं। बाएं पैर को उठाया, एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर। इस प्रकार से बाएं पैर को दाहिने पैर से सटा दिया पंजे को, और दोनों हाथ पार्श्व भागों में। अब श्वास अंदर भरते हुए हाथों को पार्श्व भागों में लेकर जाए। कंधों के बराबर आने पर हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर कर दिया और दोनों हाथों को सहजता पूर्वक उठाया। श्वास अंदर रोक करके भी रख सकते हैं और श्वासों की गति सामान्य भी रख सकते हैं। इस प्रकार से आंखें खोल के भी कर सकते हैं और आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, जैसे जिसकी अनुकूलता हो। हाथ पूरे सीधे, कानों से और सिर से लगे हुए हाथ, वापस लाते समय भी सहजता से ऐसे लेकर के आना। इस प्रकार से हाथ, पैर, पेट, पीठ, चेहरे और मन की स्थिति सहज होनी चाहिए योगाभ्यास में।